इस वीडियो में हम लोग सोल्डरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोल्डरिंग दो समान या भिन्न धातुओं के तारों, टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। यह तीसरी धातु फिलर धातु या सोल्डर कहलाती है। प्राय सीसा तथा टिन से बनी मिश्र धातु होती है। फिलर धातु का गलनांक सदैव जोड़े जाने वाले धातुओं के गलनांक से बहुत कम होता है। इस परिभाषा को हम लोग समझते हैं। दो समान या भिन्न धातुओं के तार या टुकड़ा को जब मुझे जोड़ना होता है और उसको जोड़ने के लिए एक तीसरी धातु का हम लोग मदद लेते हैं, जिसका गलनांक ये दोनों धातु का गलनांक से बहुत कम होती है, और उस तीसरी धातु को ही हम लोग फिलर मेटल या सोल्डर कहते हैं। और सोल्डर जो है जनरली लेड तथा टिन से बना होता है, मतलब लेड तथा टिन के मिश्र धातु से बना होता है। और क्योंकि ये तीसरी धातु उन दोनों धातु है, इसलिए इसका गलनांक उसके गलनांक से कम होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसका गलनांक जो है उस धातु से बहुत कम होती है। आगे हम लोग फ्लक्स के बारे में और सोल्डरिंग आयरन के बारे में। तो जो इसमें तीसरी धातु प्रयोग होता है, जिसे हम लोग फिलर धातु या सोल्डर कहते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। सोल्डर यह मतलब सोल्डर एक मिश्र धातु होता है और इसका गलनांक बहुत कम होना जरूरी है, जिसको हम लोग इसकी सहायता से जोड़ना चाहते हैं। और इसका मुख्य प्रकार इस प्रकार होता है। कठोर सोल्डर यानी हार्ड सोल्डर, इसका मुख्य दो प्रकार है, एक सॉफ्ट सोल्डर और एक हार्ड सोल्डर। तो हार्ड सोल्डर, इस सोल्डर का गलनांक अन्य सोल्डर के गलनांक की अपेक्षा अधिक होता है। इसका उपयोग तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं के बड़े आकार के टुकड़ों या मोटे तारों के केबल्स को के जोड़ों पर टांका लगाने के लिए किया जाता है। और इसका भी अलग अलग प्रकार होता है, उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो कठोर सोल्डर जो है मतलब इसका गलनांक जो है अधिक होता है बाकी सॉफ्ट सोल्डर की तुलना से, और इसका प्रयोग हम लोग तांबा का तार, पीतल का तार, लोहा आदि इसके टुकड़ों को जो है सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। तो आगे हम लोग हार्ड सोल्डर यानी कठोर सोल्डर का प्रकार टाइप्स कठोर सोल्डर का पहला प्रकार है स्पेल्टर सोल्डर। यह निम्न तीन अनुपातों में बनाया जाता है और जॉब की आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो सोल्डर है ये तांबा और जस्ता के मिश्र धातु से बना होता है, और इसमें जो है तीन प्रकार तीन अनुपात में इसको हम लोग बांटे हैं, जिसमें पहला है तांबा जिसमें 50% रहेगा और जस्ता 50% रहेगा, इसका मिक्स से बनाते हैं। दूसरा है जिसमें तांबा 67% रहेगा और जस्ता 33% रहेगा, और तीसरा है जिसमें तांबा 50% रहेगा, जस्ता 37% और टिन जो है 13%। इनका उपयोग जो है प्लम्बर एवं सीट मेटल व्यवसायों में ब्रेजिंग करने के लिए किया जाता है। तो ये है स्पेल्टर सोल्डर। आगे हम लोग पढ़ेंगे सिल्वर सोल्डर।
इसका गलनांक स्पेल्डर के गलनांक से कम होता है। इसका उपयोग सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं की वस्तुओं में टांका लगाने के लिए किया जाता है। इसको भी 4 अनुपात में हम लोग इसको बांटे हैं। पहला है जिसमें तांबा 33%, चांदी 67%। इसका प्रयोग जो है चांदी की वस्तुओं में टांका लगाने के लिए किया जाता है। दूसरा है जिसमें तांबा 20%, चांदी 10% और सोना 70%। तो इसका प्रयोग सोने के आभूषणों में टांका लगाने के लिए किया जाता है। मतलब सोने के आभूषण में जो टांका लगाते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, उसमें ये प्रयोग होता है। तीसरा है जिसमें तांबा 20% रहेगा, चांदी 70% और जस्ता 10%। इसका उपयोग जो है रजत आभूषणों में टांका लगाने के लिए किया जाता है। आगे है चौथा कैटेगरी जिसमें हम लोग तांबा को 35% प्रयोग करते हैं, जस्ता 55% और निकल 10%। इसका उपयोग जो है जर्मन सिल्वर में टांका लगाने के लिए किया जाता है। और उसके अलग अलग अनुपात में इसको जो हम लोग मिश्रित करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, सोल्डर बनाते हैं, उसका प्रयोग अलग अलग कामों में, अलग अलग वस्तुओं में टांका लगाने के लिए किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्ट सोल्डर। नर्म सोल्डर, इसका गलनांक सिल्वर सोल्डर के गलनांक से भी कम होता है। इसके निर्माण में टीन और सीसा सोल्डर में टीन की मात्रा जितनी अधिक रखी जाती है उतना ही उसका गलनांक कम होता है। हम इसमें एक तालिका, एक टेबल दिया हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे कि 8 प्रकार के अनुपात में हम लोग सोल्डर को मिश्रित किए हैं। पहला है जिसमें टीन की मात्रा 10% है और सीसे की मात्रा 90% है, तो उस सोल्डर का गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा है जिसमें टीन की मात्रा 20% है और सीसे की मात्रा 80% है, इसमें सोल्डर का गलनांक जो है 275 डिग्री सेल्सियस है। तीसरा प्रकार है जिसमें टीन की मात्रा 30% और सीसे की मात्रा 70% रखा गया है, उसका गलनांक